नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फोटोन अकेडमी आज हम बात करेंगे एक नया सेक्शन के बारे में जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है Finance Bill 2020 में, section 194 और इसका समराइज में देखें तो क्या कहता है ये पेमेंट ऑफ सर्टेन सम्स कॉमर्स ऑपरेटर टू कॉमर्स पार्टिसिपेंट तो हम डिटेल में समझेंगे इस सेक्शन को और एक एक चीज इसकी बारीकी से देखेंगे कि ये सेक्शन क्या कहता है किसके ऊपर एप्लीकेबल है कितना टी डी एस डिडक्ट करना है कब टी डी एस डिडक्ट करना है थर्ड सोल्ड लिमिट क्या है कब टी डी एस डिडक्ट नहीं करना है और कुछ टर्म्स का मीनिंग भी समझेंगे इस सेक्शन के अंडर ये है हमारा सेक्शन वन ओ जिसमें लिखा है यहाँ पे इंसर्शन ऑफ न्यू सेक्शन वन ओ पेमेंट ऑफ सर्टेन सम्स बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर टू ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पढ़ेंगे सेक्शन वन नाइनटी फोर ओ सबसेक्शन वन इसमें क्या लिखा गया है नॉट विथ स्टैंडिंग Notwithstanding का मतलब क्या होता है? इस सेक्शन के अलावा पूरे इनकम टैक्स एक्ट में अगर कुछ भी लिखा है तो हम उसको इग्नोर करेंगे सिर्फ सेक्शन को पढ़ेंगे। तो ये क्या कहता है नॉट anything एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी कंटेन इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ पार्ट बी ऑफ दिस चैप्टर वेयर सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ of ऑफ एन ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट इज by E-commerce operator through its digital or electronic facility or platform by whatever name called. Such e-commerce operator shall at the time of credit of amount of sale or services or both to the account of an e-commerce participant or at the time of payment thereof to such e-commerce participant by any mode, important word, any mode, whichever is earlier, deduct income tax at the rate of 1%. ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ सर्च सेल और सर्विसेज और बोथ यहाँ पे ग्रॉस अमाउंट का भी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ जैसे कि आप सब जानते होंगे फ्लिपकार्ट अमेजोन मिंत्रा जबोंग ये सब हमारे एक ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं और हम में से कोई भी अपना पर्टिकुलर कोई भी गुड सेल करते हैं थ्रू फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे तो हम कह हैं ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स और इस सेक्शन में क्या कहा गया है की जब भी फ्लिपकार्ट या अमेजोन पेमेंट करेगा या अपने बुक्स में क्रेडिट करेगा मुझे या आपको या उनमें से कोई भी लोग जो अपना गुड सेल करेंगे थ्रू फ्लिपकार्ट या अमेजोन तो उस केस में जो फ्लिपकार्ट या अमेजोन होगा वो वन परसेंट टी डी एस डिडक्ट करेगा ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल का इसका क्या मतलब हुआ ये एनी मोड जो मैंने वर्ड बताया इसका क्या मीनिंग है पहले हम ये एक्सप्लेनेशन देखते हैं

इन द ग्रॉस अमाउंट ऑफ सर्च सेल और सर्विस फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स हुआ मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ सपोज करो मैं अपने कुछ गुड्स फ्लिपकार्ट के थ्रू सेल करता हूँ मेरी दिसम्बर दो हजार बीस में टोटल सेल होती है मेरी फ्लिपकार्ट के थ्रू पांच लाख रूपए की आउट ऑफ दिस फाइव लैक अगर चार लाख रूपए डायरेक्ट ई कॉमर्स ऑपरेटर को पेमेंट कर देता है परचेजर और एक लाख रुपए डायरेक्ट पेमेंट कर देता है जिसने सामान बेचा यानी कि मैं आप या हम में में से किसी को भी तो दिसंबर सपोज करो मैंने पांच लाख रुपए की सेल करी जिसमें से चार लाख रुपए परचेजर ने रूपएकार्ट को दे दिए एक लाख रुपए जनवरी में मुझे उसने डायरेक्ट दिए जब उसके पास गुड्स पहुंचा तो यहाँ पे अगर हम सिर्फ सेक्शन ऊपर वाला सेक्शन पढ़े सेक्शन वन तो वो क्या कहता है जो फ्लिपकार्ट मुझे पेमेंट देगा या अपनी बुक्स में मेरे नाम से क्रेडिट दिखाएगा उस पे वो टीडीएस काटेगा अगर हम इसको सिर्फ लिटरल मीनिंग ले लें तो यहाँ पे मेरी जो सेल हुई है पांच लाख की उसमें से सिर्फ चार लाख रुपए के ऊपर मेरा फ्लिपकार्ट टीडीएस काटेगा बट नहीं ऐसी बात नहीं है यहाँ पे वर्ड लिखा है एनी मोड तो एनी मोड का मतलब क्या हुआ जो भी सेल हुई है और ई जो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है उसके बाद जो भी पेमेंट जाएगी उसको इंक्लूड किया जाएगा एस एस एच कि ई कॉमर्स ऑपरेटर ने हमें पेमेंट करी हो इसका क्या मतलब हुआ जो चार लाख रुपए ई कॉमर्स ऑपरेटर को रिसीव हुए परचेजर के थ्रू और एक लाख रुपए जो मुझे रिसीव हुए ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को डायरेक्टली फ्रॉम परचेजर तो टोटल ये माना जाएगा कि पांच लाख रुपए जो मेरी पेमेंट मुझे करेगा फ्लिपकार्ट वो पांच लाख रुपए ही मानी जाएगी तो इसका क्या मतलब हुआ एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ सच ई कॉमर्स ऑपरेटर शेल एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ अमाउंट ऑफ सेल और सर्विस और बोथ टू द अकाउंट

बहुत से ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स को मैं जानता हूँ ई कॉमर्स के बिजनेस में 25 फाइव परसेंट से लेकर फिफ्टी परसेंट तक का होती है अगर ग्रॉस अमाउंट पे टीडीएस कटने लग गया तो उसकी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाएगी बहुत सारी तो यहाँ अमाउंट नहीं हो सकता है आगे फाइनेंस एक्ट में कुछ चेंज करके इस ग्रॉस अमाउंट को एक्सप्लेन किया जाए कि इसको नेट सेल माना जाएगा मे बी पॉसिबल बट अभी तक ग्रॉस अमाउंट ही है सबसेक्शन टू पढ़ते हैं हम नो डिडक्शन अंडर सबसेक्शन वन शेल बी मेड फ्रॉम एनी सम क्रेडिटेड और पेड लाइकली टू बी क्रेडिटेड और पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर टू द अकाउंट ऑफ एन ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट बी एन इंडिविजुअल और एच यू एफ वेयर ग्रॉस अमाउंट ऑफ सच सेल और सर्विस और बोथ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर डॉट एक्सीड रूपीज फाइव लैक एंड सच ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट एज फर्निश हज परमानेंट अकाउंट नंबर और आधार नंबर टू द इ कॉमर्स ऑपरेटर तो सबसे वन में एक थर्स होल्ड लिमिट लगा दी गई है जिसमें कहा गया है कि अगर कोई इंडिविजुअल या एच यू एफ ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है और उसकी सेल फाइनेंशियल ईयर में पांच लाख रुपए से कम है और साथ में वो अपना पैन नंबर या आधार नंबर ई कॉमर्स ऑपरेटर को जमा करा देता है तो उसका टी नहीं कटेगा तो इसका क्या मतलब हुआ कोई कंपनी है इसकी सेल चार लाख रुपए फाइनेंशियल ईयर में क्या उस पर टी कटना चाहिए जी हाँ टी कटेगा यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल और एच को छूट दी गई है तो यहाँ पे इंडिविजुअल एच प्लस ग्रॉस अमाउंट डज नॉट एक्सीड फाइव लैख प्लस पैन और आधार सबमिट होना चाहिए तभी आपका टी डी नहीं होगा मैं एक ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट हूँ मैं अपना सामान फ्लिपकार्टे भी बेचता हूँ अमेजोन पे भी बेचता हूँ पेटीएम पे भी सेल करता हूँ मिंत्रा पे भी सेल करता हूँ और हर ई कॉमर्स ऑपरेटर के पास मेरी जो सेल है किसी में चार लाख है किसी में तीन लाख है किसी में साढ़े तीन है किसी में साढ़े चार है क्या मेरा टीडीएस कटना चाहिए इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन जल्दी से आ जाएगी रीजन क्योंकि टीडीएस करने की यहाँ पे ई ई कॉमर्स कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर तो ऑपरेटर को पता कैसे चलेगा कि क्या मैं फ्लिपकार के अलावा या या पे भी सामान बेच रहा हूं या नहीं बेच रहा तो हो सकता है गवर्नमेंट एक ऐसा प्रोविजन लाए जिसमें ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को हर ई कॉमर्स ऑपरेटर के पास एक डिक्लेरेशन फाइल करना पड़े कि मैं सिर्फ आपके पास सेल कर रहा हूँ या मैं आपके अलावा इन तीन कॉमर्स ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के पास भी सेल कर रहा हूँ और मेरी सेल पांच लाख रुपए से एक्सीड करती है तो मेरा टी डिडक्ट होना बनता है अब हम पढ़ते हैं सबसेक्शन थ्री क्या कहता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन पार्ट बी ऑफ दिस चैप्टर अ ट्रांजेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच टैक्स हैज बीन डिडक्टेड बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर एंड सबसेक्शन वन विच इज नॉट लाइबल टू डिडक्शन अंडर सेक्शन टू सबसेक्शन टू शैल नॉट बी लाइबल टू टैक्स डिडक्शन एट सोर्स अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर सबसेक्शन थ्री क्या कहता है

किसी तरह की सर्विस प्रोवाइड करता है किसी को भी जिसमें उसका एडवर्टीजमेंट होस्टिंग होती है या कोई अदर सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसके ऊपर टी नहीं कटेगा इस सेक्शन में इसका क्या मतलब हुआ एक सेक्शन में नहीं कटेगा बट दूसरे सेक्शन में कट सकता है होता क्या है ई कॉमर्स ऑपरेटर जब ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को सर्विस प्रोवाइड करता है तो वो अपनी वेबसाइट पे एडवर्टीजमेंट सर्विस देता है उनसे कमीशन लेता है तो इसके ऊपर लाइबिलिटी होती है ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट की तो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट के ऊपर बर्डन होता है कि वो इसका टी काटे आइधर वन सी में और आइधर वन एच में और वन जे में तो इन सर्विसेज पे जो एडवर्टीजमेंट और एनी अदर सर्विसेज है एनी अदर सर्विसेज में वन नाइन्टी फोर जे की सर्विस भी आ सकती हैं जो प्रोफेशनल सर्विसेज होती हैं और होस्टिंग एडवर्टीजमेंट और कमीशन भी इसमें इंक्लूड हो सकता है ए तीन सर्विसिज़ पे टीडीएस कटेगा दूसरे सेक्शन में बट इस सेक्शन में नहीं कटेगा और एक यहाँ बात सबसे टू में क्या कहा गया है इंडिविजुअल और एच की बात की गई है अगर इंडिविजुअल और एच अपना पैन नंबर और आधार कार्ड जमा नहीं कराता है तो क्या फिर भी उसका टी नहीं कटेगा जी बिल्कुल कटेगा यहाँ कहा गया है टी डी एस विल बी डिडक्टेड एट द रेट ऑफ वन परसेंट इन एवरी केस एक्सेप्ट दोज केसेज वेयर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट डज नॉट हैव पैन और आधार इन अ रेट ऑफ विल बी एप्लीकेबल अंडर सेक्शन टू जीरो सिक्स डबल ए अगर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट अपना पैन नंबर या आधार नंबर प्रोवाइड नहीं कराता ई कॉमर्स ऑपरेटर को तो उसके ऊपर जो सेक्शन लगेगा वो लगेगा सेक्शन टू जीरो सिक्स डबल ए जिसमें फाइव परसेंट टी डी एस झिडक करने की बात कही गई है अब हम आगे देखते हैं कुछ एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं सेक्शन के साथ वो समझ लेते हैं जिसमें समझाया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मीन्स द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट ओवर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क ई कॉमर्स ऑपरेटर का मतलब क्या हुआ ई कॉमर्स ऑपरेटर मीन अ पर्सन हु ओन्स और मैनेजेस डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट इसका एग्जाम्पल हो गया सिंपली हमारा फ्लिपकार्ट हो गया अमेजोन हो गया पेटीएम हो गया ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट का मीनिंग इसमें समझाया गया है अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया सेलिंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज और बोथ इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट थ्रू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स यहाँ पर आपने एक बात नोटिस की ई कॉमर्स ऑपरेटर में सिंपल लिखा है एनी पर्सन क्या जो नॉन रेसिडेंट है अगर बाहर की कंपनी के थ्रू अगर मैं अपना प्रोडक्ट सेल करता हूँ इंडिया में क्या उस कंपनी के ऊपर भी बर्डन आ जाएगा मेरे टी काटने का हाँ जी बिल्कुल आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई रेसिडेंट और कोई नॉन रेजिडेंट की बात नहीं की गई है बट अगर आप देखोगे ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट में क्या लिखा है मीन्स अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया अगर कोई नॉन रेसिडेंट को अपना गुड्स बेचता है फ्लिपकार्ट एमेजोन के थ्रू तो क्या उसके ऊपर टी की लैबिलिटी आएगी नहीं उसका टीडीएस नहीं कटेगा होप आपको ये सेक्शन क्लियर हो गया हो अगर आपका इस सेक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स के जरिए जरूर पूछ सकते हैं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें या नीचे दी गई ईमेल आईडी पे भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो थैंक यू